अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट एंड हो चुकी हुई है तो मैं गलत नहीं होगा, क्योंकि जो टीम अपने घर के अंदर नहीं जीत सकती, अपने घर के अंदर, या तो आप जाओ ना किसी दूसरे मुल्क में जाके ऑस्ट्रेलिया में हार के आओ, इंग्लैंड में हार के आओ, तो हम कहें कि यार नहीं मुश्किल था, आपने फाइट की, आप जिसको कहते हैं 27 रन से हार गए, तालियां आपके लिए बनती हैं क्योंकि आप किसी के घर जाके इतनी फाइट कर कर आ रहे हैं, और अपने घर के अंदर हार रहे हो लगातार 2 मैच 3 मैच हार गए, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हारे मैच। इस साल के अंदर पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैचेस अभी तक खेले हैं, 2 ड्रॉ और 3 हार चुके हैं। बांग्लादेश का रिकॉर्ड हमसे अच्छा है, वो अपने घर के अंदर नहीं हारते और हम लोग अपने घर के अंदर हार रहे हैं। के मतलब कि हमारी टेस्ट क्रिकेट का ये अंजाम होना था कि कहने को तो 355 चेस करना था, हो सकता था, हमारी अपनी कंडीशन थी, हमारी अपनी पसंद की पिच थी, इस पे भी हम जिसको कहते हैं कि जीत ना सके, तो फिर तो इसको कहते हैं ना हमें तो घर बैठ जाना चाहिए, बल्ले वगैरह फेंके, पैड वगैरह फेंके, घर बैठ के इसको कहते हैं टीवी में मैच वगैरह देखे। जब आप अपने घर के अंदर अपनी पसंद की पिच के ऊपर चेस नहीं कर सकते तो फिर कहां जाके चेस करोगे? इंग्लैंड में जाके 355 चेस करोगे या ऑस्ट्रेलिया में जाके? चेजेबल टोटल था, कल का दिन पड़ा हुआ था, 1080 बॉल थे पाकिस्तान के पास चेस करने के लिए, लेकिन नहीं, हमारे जिसको कहते हैं आज जिसको कहते हैं मुश्किल किससे, पता था कि ड्रॉ हो नहीं सकता तो चेस तो करना पड़ेगा वरना लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, और वही हुआ, चेस करने गए तो जिसको कहते हैं वही हाथ पांव फूल गए। अब बंदा टेल को क्या बोले, क्या बोलूं मैं जाहिद महमूद को, मोहम्मद अली को, क्या मैं बोलूं अबरार अहमद को, वो तो बॉलर्स है, वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। अब वो बैटिंग में आके तो आपको बचा के नहीं ना दे सकते, आपके बल्लेबाज क्या कर रहे थे, क्या कर रहा है मोहम्मद नवाज, कैसे आउट होके गया है साउथ शकील। मैं मानता हूं उसका जो डिसीजन था वो गलत था, अंपायर ने जिसको कहते हैं गलत फैसला दिया, माइकल एथरसन कह रहे कि ग्रास लग रही है बॉल पे, लेकिन फिर भी उसको आउट दे दिया, वहां से जिसको कहते सारा मोमेंटम उनकी तरफ चला गया। लेकिन फिर भी बाकियों ने क्या किया, फहीम अशरफ 10 रन करके आउट हो गए, बाबर आजम क्या कर रहे हैं सेकंड इनिंग, जहां पे बाबर आजम को एक मैच मैच विनिंग इनिंग खेलनी है, वहां पे बाबर आजम आके आउट हो रहा है, पिछले मैच में भी यही किया, मैच हटवाने में बाबर आजम का सबसे बड़ा हाथ है, जब उसको पता है कि ये इस ये वाली सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज रखती है, बाबर आजम की इनिंग्स। यहां पे बाबर आजम ने खेला होता तो पाकिस्तान आज मैच हारता, बिल्कुल ना हारता, लेकिन यही गलती जो इस मैच में की वही पिछले मैच में भी की थी बाबर आजम ने, दोनों मैचेस सेम तरीके से हम हारे हैं दोनों मैचेस। चलो उसके अंदर तो जिसको कहते हैं आखिरी दिन का खेल था, यहां तो आपके ऊपर इतने दिन पड़े हुए थे फिर भी हार गए, मोहम्मद रिजवान कर क्या रहे है? जब आप जिसको कहते हैं ना फ्रेंडशिप कल्चर, शुएब अली ने बिल्कुल सही बात की है, जब आपने खिलाना ही अपने दोस्तों का तो फिर यही हाल होगा, सरफराज अहमद 2-2.5 साल से बैठा हुआ है डगआउट के अंदर, उसको खिलाते नहीं है, पानी वाला उसको बॉय बनाया हुआ है, जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के दी, नंबर 1 पे टीम पहुंचाई उसने हमारी, और उस बंदे को पानी वाला बनाया हुआ है इन्होंने, खिलाते नहीं है उसको, हालांकि उसको खिलाए, क्यों नहीं खिला रहे उसको, एक अच्छा प्लेयर है वो टेस्ट मैच का, रिजवान से तो अच्छा ही है, रिजवान T20 में चलो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ODI के अंदर क्या कर रहा है वो, टेस्ट मैचेस में क्या कर रहा है, आज ओपनर आके भी उसको कहते हैं उसने क्या कर लिया, हड़वा दिया ना पाकिस्तान को, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो पाकिस्तान पिछले मैच में जिसको कहते हैं बाहर हो गया था, आज इसको कहते हैं कहानी सारी खत्म करके रख दी है, इतना एक्साइटेड मैच हुआ था, इतना दिल कर रहा था, इतना दिल दुखा है ना, यकीन माने मैं बयान नहीं कर सकता कि 27 रन से सिर्फ और सिर्फ 27 रन रह गए थे, 27 रन जिसको कहते हैं ना हारना, ये कितना बड़ा दुख होता है मैं बयान नहीं कर सकता, पिछले मैच में जिसको कहते हैं हम किससे ज्यादा रन से हारे थे, इस मैच में और कम रन से हारे हैं और अगले में भी हारेंगे जो हमारे हालात लग रहे हैं, क्योंकि क्योंकि जब हम अपने घर के अंदर हमारे फास्ट बॉलर विकेट नहीं ले सकते, दूसरी तरफ इंग्लैंड के 10 में से 9 विकेट फास्ट बॉलर से लिए इस इनिंग्स के अंदर 9, और हमारा हाल देख लो कि हम जो हमारे फास्ट बॉलर से विकेट नहीं लिए जा रहे, दूसरी तरफ फास्ट बॉलर विकेटों पे विकेट ले रहे हैं, ये तो हाल है कि आपने जिसको कहते हैं सारे नए बॉलर को खिला दिए, कोई एक एक्सपीरियंस बॉलर नहीं था, किधर है मोहम्मद अब्बास, किधर है हसन अली, जो टेस्ट के बॉलर थे उनको तो खिला नहीं रहे, और फिर ये तो होगा ही, हार गए ना कहानी खत्म होगी, घर के अंदर हमें जिसको कहते हैं कि हमारे साथ इतना शर्मनाक हार हुई है कि हम जिसको कहते हैं कहीं मुंह नहीं दिखा सकते, हर जगह पे मजाक बनेगा पाकिस्तान का कि पाकिस्तान की टीम क्या कर रही है कि अपने घर में नहीं जीत सकती, अपने घर के अंदर नहीं जीत सकती, मैं इनको क्या बोलूं तो बोलूं क्या, अजीब जिसको कहते हैं ना ये टीम डिजर्व, सही बात है, ये डिजर्व ही नहीं करती जीतना, जब इनकी नियत ही ना हो ना तो वो जीतना डिजर्व ही नहीं करते हैं, इनकी टेस्ट क्रिकेट एंड हो चुकी हुई है, बिल्कुल एंड हो चुकी है, इनको जिसको कहते हैं ना
शुरू से पहली सीरीज से स्टार्ट लेना पड़ना, फिर ही कुछ होगा। खैर जिसको कहते हैं, इन्होंने तो हारना ही, मैं क्यों अपना दिल पूरा करूं, ये तो इनको काम है, इन्होंने हारना, मैं क्यों अपना दिल पूरा करूं। थोड़ी देर बाद जिसको कहते हैं पब्लिक रिलेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, फिर अब्दुल्ला भाई के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह।